उत्तर प्रदेश ने मारी बाजी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी मध्य प्रदेश के 8 शहर कर रहे हैं, जिसमें इंदौर शहर है। ऐसे में इस शहर को लेकर प्रतिभागियों में किस तरह का माहौल है और यहाँ मिल रही खेल सुविधाओं पर वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन सभी बातों को समेट लिया है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने अपनी इस खास रिपोर्ट में। देश का स्वच्छतम शहर इंदौर इन दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी के तौर पर सामने है। इंदौर शहर का खेलों से पुराना नाता रहा है और इसी नाते की डोर से बंद कर ये शहर खिलाड़ियों को अपनी ओर खींच रहा है, जो इस शहर के वातावरण के कायल हो गए हैं। पहली बार इंदौर आए खिलाड़ियों ने कहा कि स्पोर्ट्स में एनर्जी लेवल ही आपकी जीत तय करता है और इंदौर को देखकर उनका एनर्जी लेवल दोगुना हो गया है। ये मेरा पहला पर्सनली खेलो इंडिया का टूर्नामेंट पहला है एंड यहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, डाइट भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है एंड ये टूर्नामेंट से एक फ़ायदा है सबको कि सबको एक एक चांस मिलता है अच्छे से परफॉर्मेंस देने का एंड हर जगह लाइव होता है एंड जिस तरीके से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं सब कुछ डाइट एंड एवरीथिंग तो वो सब बहुत हेल्प होता है एक स्पोर्ट्समैन। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी है एंड इंदौर की बात, इंदौर तो क्लीनेस्ट सिटी है ही, बहुत अच्छी है एंड सब कुछ बहुत परफेक्ट है, इंदौर भी बहुत सुंदर है। खेलो इंडिया का ये टूर्नामेंट खेल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे जैसे एक प्लेयर एक टूर्नामेंट खेलता है उसको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और एक्सपीरियंस के कारण फिर वो अपने लाइफ में एक अच्छा चीज़ अचीव कर पाते हैं, तो बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही बड़ा इवेंट है एक प्लेयर के लाइफ के लिए। सबसे पहले इसका एटमोसफेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जो भी मतलब बहुत अच्छा है, इंदौर तो ऐसे भी अच्छा ही है, फेवरेट सिटी हमारे में आता ही है। इंदौर में पहली बार हो रहे राष्ट्रीय स्तर के इस आयोजन में 6 खेलों की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। इन प्रतियोगिताओं में लगभग 900 से अधिक खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, जिसे सफल बनाने के लिए हर स्तर पर प्रयास सामने हैं। इंदौर में भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है और बेहतरीन कंपटीशन का तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से बढ़िया कंपटीशन चल रहा है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अलावा रहने खाने की भी अच्छी व्यवस्था है। खिलाड़ी बहुत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं हर तरफ और ऑफकोर्स इंदौर शहर स्वच्छतम शहर है देश का, हम सभी इसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यकीनी तौर पर खिलाड़ी इस बात से बेहद उत्साहित हैं कि उन्हें इंदौर आने का मौका मिला है, एक ऐसा शहर जो दुनिया भर में स्वच्छता के लिए मिसाल बन चुका है और अब वो अपने साथ इस शहर की इसी बेहतरीन छवि को देश के दूसरे शहरों तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। किसी भी खेल और खिलाड़ी के लिए एक बेहतर माहौल का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इस बात को इंदौर शहर ने पूरा कर दिखाया है। अब बारी है खिलाड़ियों की कि वो जमकर अपने खेल का प्रदर्शन करें और अपने इसी बेहतरीन खेल के दम पर आगे आने वाली जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए खुद को तैयार करें। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़ इंदौर।